डियर, आज मैं लाइट चैप्टर में इमेज के बारे में बात करेंगे कि इमेज क्या होता है, कितने तरीका का इमेज होता है एंड क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज होता है। तो बिफोर इमेज स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हम जो मिरर और लेंस इमेज फॉर्म करेगा, उस ऑब्जेक्ट कितने तरीका का होता है और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? इस यूनिवर्स में जो भी वेदर लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ फिजिक्स में क्या करता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ से रे ऑफ लाइट इमिट होता हो, क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होता है? इमिट होता है। हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट का अपना लाइट नहीं हो, किसी दूसरे का लाइट का रिफ्लेक्ट कर रहा हो, या हो सकता है कि उसका अपना लाइट हो। दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट ओन लाइट नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर रिफ्लेक्शन ऑफ अदर नोन एज नॉन ल्यूमिनस। जिसके पास अपना लाइट नहीं होता हो, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हर बॉडी लाइट क्या करता है? रे ऑफ लाइट को इमिट करता है। जैसे ये बोर्ड लाइट दे रहा है, ये बॉडी दे रहा है, ये पेन दे रहा है, उस तरह से हर बॉडी से रे ऑफ लाइट निकलता है और उसका इमेज अगर हम इस को देख पा रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को हम देख पाते हैं, तो ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कहीं पे जाके मीट करता होगा, तो हम उसको देख पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट विच इमिट, ये फिजिक्स के टर्म में ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, विच इमिट रेज ऑफ लाइट, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमको देखना है। फर्स्ट जो है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और सेकंड है वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जनरली हम क्लास 10 में जो इमेज देखेंगे वो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को नहीं, ये लार्ज ऑब्जेक्ट को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लेंगे और उसका इमेज बनाएंगे। मिरर और लेंस दोनों के केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी केस देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है, लेकिन जो हमको हमारे 10th के स्टैंडर्ड में सिलेबस में है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे, तो इस पर हम बात करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग इमेज देखने जा रहे हैं कि इमेज क्या होता है। देखिए इमेज क्या है? तो हम लोग जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना फेस देखते हैं मिरर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेज। और फेस इन द मिरर, आवर फेस इन द मिरर इज नोन एज इमेज। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि मिरर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और वह उस रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। तो इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इमेज जो होता है रियल इमेज, और सेकंड जो है वर्चुअल इमेज। आइए देखते हैं एक एक करके कि रियल इमेज किसको कहते हैं। रियल इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। जैसे कि हम लोग एक्टर और एक्ट्रेस का स्क्रीन पे देखते हैं कोई भी फिल्म में, मूवी में, तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। लिखते चलते हैं। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज
the image which can be obtained on screen is known as real image. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग बोलेंगे क्या, द इमेज ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑन सिनेमा स्क्रीन इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज. वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है. ठीक है, अब रियल इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. आप बोल सकते हैं कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने फॉर्म्ड होता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे फॉर्म्ड होगा. ठीक है, और मिरर में और लेंस दोनों रियल इमेज फॉर्म करता है. और वो जो मिरर है, कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड रियल इमेज, वाइल एंड ऐसे बोल सकते हो कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड रियल इमेज. एंड कर दो एंड कन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड रियल इमेज. तो ये रियल इमेज की बातें हैं. रियल इमेज क्या होता है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन. रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है. रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इस सबको रे डायग्राम से आगे चल के हम रे डायग्राम में पूरा डिटेल बात करेंगे. कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज. कनकेव मिरर रियल के साथ साथ में एक कंडीशन में ये दोनों कनकेव और कन्वेक्स वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये इमेज है. इमेज का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, उसके बाद वर्चुअल इमेज बात करेंगे. हाउ इमेज फॉर्म्ड, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाउ इमेज फॉर्म्ड. तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से, हमने ऑब्जेक्ट बोला, ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई और सोर्सेस था, लाइट आया इधर से, लाइट आया आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके ये लाइट क्या हो गया, मिट गया. देखिए क्या हो गया कि लाइट इधर से गया होगा और यहाँ से लाइट आया, ये ऐसे आया और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, फिर ये इधर से भी लाइट ऐसे आया होगा और ये यहाँ से, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्सेज है, लाइट गया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके और जहाँ पे मिट गया, दिस पोजीशन इज द पॉइंट ऑफ इमेज. तो इमेज बनाने के लिए हमेशा जो ऑब्जेक्ट से, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, मिट करना चाहिए, मिट एट अ पॉइंट. जिस पॉइंट पे मिट करेगा वो पॉइंट ऑफ इमेज होगा, पॉइंट ऑफ इमेज. ठीक है, और यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा और उसके बाद इमेज का साइज क्या होगा, इसके हम लोग आगे बात करेंगे. लेकिन इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है समझ गए. व्हेन द रे ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट देन इमेज फॉर्म्ड. अगर ऐसा होता कि लाइट ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्ट करके एक इधर गया आफ्टर रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्ट करके इधर, आप ये देखिए ये कभी मिलेंगे नहीं, इधर आ रहे हैं, ये पूरे इन्फिनिटी में चले जाएंगे, इमेज फॉर्म करेगा एट इन्फिनिटी. तो ये इस केस में इमेज नहीं फॉर्म्ड होगा, लेकिन इस केस में इमेज फॉर्म्ड होगा. ठीक है, सेकंड जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज क्या है, मैं इसको इधर वाला आइटम्स को मिटा रहा हूँ. देखिए वर्चुअल इमेज क्या होता है
देखिए, व्हेन द इमेज, द इमेज विच कैन नॉट, विच कैन नॉट ऑब्टेंड ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज. जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है वो उस मिरर के सामने जब खड़ा होते हैं तो कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज. तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज. इसमें बोलेंगे ऑलवेज इन्वर्टेड, ये क्या होगा? वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट. ठीक है. अच्छा, ये इन फ्रंट, रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है, मिरर के सामने फॉर्म होता है, जबकि वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है. वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. इसको डायग्राम के साथ में भी दिखाएंगे. और वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म्ड क्या? वर्चुअल इमेज. ठीक है. तो दिस इज द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. अब इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, कि कैसे डायग्राम से देखेंगे कैसे रियल इमेज फॉर्म्ड होता है और कैसे वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड करता है. उससे पहले कि हम लोग कनकेव मिरर और मिरर के बारे में पहले समझ लें कि कनकेव मिरर किसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, उसके बाद रे डायग्राम से हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को बात करेंगे. ठीक है. तो ये है रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, इसको नोट कर लीजिए.